हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से रिलेटेड। तो ये शेयर क्या करता है, ओके, एज वेल एज अगर बात करें, इस शेयर ने ना काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए, और FIIs ने अगर बात करें अच्छी खासी होल्डिंग है, DIIs की अच्छी खासी होल्डिंग है, और ये शेयर काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है और अच्छे बाइंग लेवल पर आ गया है। कि हमें एक अगर बात करते हैं ना बाय ऑन डिप्स की, तो बाय ऑन डिप्स में अगर आप पहली EMIs के तौर पर अगर इस एक छोटा सा अमाउंट इसमें डाल देते हैं और गिरता है तो और खरीद लेते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ऐसा कर लेना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही करिएगा। बाकी इससे रिलेटेड हम बातें करने जा रहे हैं, बिजनेस एनालिसिस, टेक्निकल से भी बात करेंगे, सब चीज़ से रिलेटेड इससे बात करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास डेली बेसिस पे मिलती रहे। इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर लिए और दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करिए, ताकि उन्हें भी ऐसी वीडियोज का फायदा मिल सके और वो मार्केट में आए और आके अच्छा खासा गेन ले सके। और अगर आज की डेट की बात करें तो AstraZeneca फार्मा का अगर बात करूँ, मेरे हिसाब से 6,000 से ज्यादा का टारगेट बन के आ रहा है। इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी आरती इंडस्ट्री से रेडी कल वीडियो बनाई थी, आज अच्छा खासा जंप था, MTR शेयर भी यहां पर ऊपर नीचे था, बट कोई इशू नहीं है, आगे भागता हुआ आगे नजर आएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर बात करते हैं IEX की, तो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से रिलेटेड ये वीडियो है, और 361 पे अगर बात करें आज की डेट में 20 रुपए करेक्ट हुआ, लगभग 6% के आसपास ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है। 5 डेज की बात करूं तो देखिए यहां पर ये शेयर लगभग, अगर यहां पर देखिए 413 रुपए तक ये शेयर गया था, और 413 रुपए जाने के बाद अगर बात करें यहां पर तो 5% ही दिखा रहा है, बट अगर बात करें लगभग ये शेयर 15% करेक्ट हो चुका है, जो कि मैं आगे भी दिखाऊंगा। तो यहां पर 413 से करेक्ट होकर यहां पर ये शेयर आ गया है 361 रुपीज पर। तो ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी बनती है इस शेयर को खरीदने। तो अगर बात करें इसमें आई थिंक किसी ने बल्क सेलिंग करी है, इस वजह से शायद कुछ ये शेयर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज बात करूं तो जितनी भी अच्छी कंपनीज ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे हैं ना, उनके वो कंपनीज भागती हुई नजर आई है, बट इस कंपनी ने बेहतरीन रिजल्ट तो पेश करे ही करे है, बट स्टिल गिरती हुई नजर आ रही है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, तो 2-4 दिन के अंदर अंदर मुझे लगता है कि ये शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा, तो इसकी तरफ ध्यान देना है। ये करती क्या है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहां पर देख लीजिए स्प्लिट, कंपनी यहां पर एक बार स्प्लिट भी दे चुकी है, ओके, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू एक में चेंज हो गया 19 अक्टूबर 2018 को, 2018 में ही अगर बात करें इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखाता हूँ। तो कंपनी को कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए, 4 साल के लगभग इस कंपनी को इसके हुए, 3.5 साल, और 156 रुपये से कंपनी ने जो रैली बनाई है, एक साइड बेस जोन, उसके बाद लोगों ने इतना इस शेयर को खरीदा है। तो बाय ऑन डिप से करना बनता है, क्योंकि अगर बात करें इसके बिजनेस मॉडल की, बात कर लेते हैं एक बार इसके बिजनेस मॉडल की। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल, यहाँ पर कंपनी के जो प्रोडक्ट है, ओके, यहाँ पर देखिए ये एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी कंपनी काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज मतलब ऑल इंडिया में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। और इसके बारे में अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इज अ पावर एक्सचेंज लाइसेंस बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन ने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेडिंग ऑफ द रिन्यूअल एनर्जी एनर्जी सर्टिफिकेट तो यहाँ पर दे रखा है। एज वेल एज द मेन एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज टू प्रोवाइड एन ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैरिंग आउट ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब ये आई थिंक ये सारी की सारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है ना, उसे एनर्जी देती हुई नजर आती है। और एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म है, उधर भी ये एनर्जी से रिलेटेड कंपनी एक एनर्जी पास ऑन करती हुई नजर आती है। एज वेल एज बात करें यहाँ पर आज की डेट में जब ये शेयर गिरा है ना, तो आजकल 30% मतलब 58 लाख के आसपास यहाँ पर शेयर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ऐसे शेयर को दोबारा मौका नहीं मिलता इतना गिरावट में, 14% की गिरावट हो। तो अगर बात करें 52 वीक लो की, तो 159 रुपीज़ पर ये शेयर था कब, 22nd of May 2020, और आगे एक साल के बाद की बात करें तो लगभग शेयर ने आपको 150-200% के रिटर्न यहाँ पर देती हुई नजर आई है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो
यहाँ पर मतलब FIIs के पास ही यहाँ पर होल्डिंग ज़्यादा नज़र आती है, एज वेल एज कंपनी डिविडेंड देती हुई नज़र आती है। यहाँ पर 2019 में बाईबैक भी लाया, इससे पहले स्प्लिट भी कंपनी ने दिया है, और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है प्रमोटर्स की होल्डिंग ने तो गिर भी क्या रहेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स की। यहाँ पर फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो देखिए मिड कैप कंपनी नज़र आती है, स्मॉल कैप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ जाती हुई। ROC देखिए 60% के ROC पे और 46% के ROE पे कंपनी काम कर रही है। मतलब आप अगर जो मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी अगर 30% एनुअली रिटर्न दे रही है और उसके हिसाब से अगर आपने 10 लाख रुपए किसी कंपनी में लगा दिया तो 20 साल में 100 करोड़ रुपए होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। और ऐसी कंपनी जो इस तरीके के बेहतरीन रिटर्न देती है ना, वही कंपनी आपको आगे चल के अच्छे खासे पैसे बना सकती है। तो इस चीज़ को जो अच्छे रिजल्ट देती हो तो वहीं पर ही हमें पैसा डाइवर्ट करना चाहिए। डेट टू इक्विटी की बात करें तो देखिए 2% के लगभग डेट है, ना के बराबर डेट है। बात करें यहाँ प्लेजिंग की, कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है, ऑब्वियसली बात है वो पहले ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहाँ पर देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सेल्स सबसे ज़्यादा इसी बार की सबसे ज़्यादा सेल्स होती है। जब कंसिस्टेंसी दिखाता है और जब हाइएस्ट नंबर आते हैं ना, तो समझ लीजिए कंपनी इज डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस और उसमें हमें इन्वेस्ट करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट आ रहा है। ओके, इंटरेस्ट कंपनी देखिए डेट फ्री है लगभग। यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पे, पिछले 10 साल से बात करते हैं, 36 करोड़ की सेल्स, 317 करोड़ की सेल्स में 10 साल में, मतलब अगर बात करें लगभग 10 टाइम्स या 9 टाइम्स के लगभग यहाँ पर चेक हो चुका है यहाँ पर मतलब सेल्स, एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए 21 मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 टाइम्स, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट तो 10 टाइम्स से ज़्यादा यहाँ पर चेंज कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सारी चीज़ें देख के अगर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर क्या इन्वेस्ट किया। रिजर्व्स की बात करें, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, रिजर्व्स देखिए कंटिन्यूसली 48 करोड़ का रिजर्व 502 करोड़ के रिजर्व्स में बदल गया है। डेट की बात करें, बीच में कंपनी बिल्कुल डेट फ्री थी, यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा बहुत लोन लिया 12 करोड़ का, पर इनके पास इतना पैसा है कि जब चाहे ये सब चुका देंगे। इन्वेस्टमेंट 710 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर 77 करोड़ रुपए का कैश है, ट्रेड रिसीवेबल 3 करोड़ रुपीज़ का है। तो यहाँ पर मतलब फिक्स एसेट यहाँ पर देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, कंपनी अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सपेंड भी कर रही है, जितना पैसा आ रहा है सारा बुक में नज़र आ रहा है। ओके, और ROCE की बात करें तो देखिए कंपनी पिछले 2012 से लेके कभी भी यहाँ पर देखिए 48 सबसे लो था, उसके बाद तो 48 से ऊपर ही 53, 72, 61, 48, 64, 67, 60% तो मतलब 50% से ऊपर ही रही है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बनता है। FIIs की बात करें, 9% की होल्डिंग 2018 में थी, ओके 4 टाइम्स यहाँ पर होल्डिंग कर ली है, ओके 36% की होल्डिंग यहाँ पर देखिए बढ़ा दिया, सीधे 7% कर दिया उन्होंने होल्डिंग, क्योंकि उन्हें बिजनेस का तरीका पता है, उन्हें पता है कि भाई ये बिजनेस आगे चल के क्या करने वाले हैं, इसलिए वहाँ पर वो खरीदते हुए नजर आते हैं। DIIs की बात करें, DIIs ने भी देखिए, DIIs ने यहाँ पर हिस्सेदारी बेची है, FIIs ने यहाँ पर खरीद लिया है। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं DIIs में, तो देखिए काफ़ी बड़े बड़े UTI मतलब सब कुछ बड़े बड़े नाम यहाँ पर आपको नज़र आते हुए दिखाई देंगे। कुछ कंपनीज़ ने यहाँ पर कम किया है, जैसे रिमको ने कम किया है, यहाँ पर मेरा एसेट है यहाँ पर इन्होंने कम किया है, बट काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ICICI प्रोडिशंस ने यहाँ पर देखिए अच्छे खासी होल्डिंग है। मतलब DIIs और FIIs के पास ही ये कंपनी है और किसी के पास है भी नहीं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है। अगर आप सोच रहे हो पब्लिक में आते हैं, ये पब्लिक में नहीं आते, HNIs में आते हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर 8%, 7%, 4% यहाँ पर देखिए 15 और ये 20% की होल्डिंग तो यहाँ पर हो गई, मतलब 20% मतलब 14% की होल्डिंग लगभग पब्लिक के पास है, और 14 से भी कम ही होगा। सारी होल्डिंग FIIs, DIIs, HNIs ने यहाँ पर लेके रख रखी है, डालमिया पावरों के यहाँ पर इन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है, एज वेल एज बात करें DCB पावर वेंचर इन्होंने अपनी होल्डिंग ले रखी है, डालमिया सीमेंट ने यहाँ पर होल्डिंग ले रखी है। इसलिए इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। अब बात आते हैं यहाँ पर, अब देखें तो देखिए एक यहाँ पर अच्छे रिजल्ट के बावजूद कंपनी गिर रही है, तो मतलब उसे उठाना है इस चीज़ को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो बात करें देखिए 14% करेक्ट हो चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से, यहाँ पर देखेंगे आप 14% करेक्ट हुई है। अगर यहाँ पर 413 रुपये से यहाँ पर देखते हैं 361 पे शेयर चल रहा है, तो यहाँ पर 14% शेयर कम गिर चुका है, तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करिए। बाकी अगर थोड़ी बहुत और गिरावट होती है शेयर यहाँ पर
और आ जाता है नीचे, तो और खरीदेंगे ऐसे शेयर को जहाँ पर बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हो, डेट फ्री कंपनी हो, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हो, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हो, ओके, कंपनी कंसिस्टेंसी पिछले 12 महीने से 60% 50% के आरओसी पे चल रही हो, तो ऐसी कंपनी को ही हमें अपने रडार पे रखना है। बाकी बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, काफ़ी एनर्जी से रिलेटेड है और वो भी सेंट्रल एनर्जी से रिलेटेड है, छोटी मोटी, मतलब पूरा एक एक्सचेंज है, यहाँ दिख रहे हैं ना, एक्सचेंज है पूरा का पूरा, यही अपनी मतलब सारी जगह एनर्जी को एक्सचेंज करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप बिजनेस करिए, इस तरीके इन्वेस्ट करिए, तो आगे चल के ये शेयर और भागता हुआ दिखाई देगा। 4 साल पहले क्या था उसे भूल जाइए, अभी आने वाले 10 साल में कंपनी कहाँ होगी, 10 टाइम्स भी अगर यहाँ पर एक जीरो भी लग जाता है तो आपका पैसा 10 टाइम्स हो गया आने वाले 10 साल में। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के फर्दर व्यू को रखते हुए अच्छा खासा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी डेफिनेटली करिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करिए हमारे चैनल के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।